अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और जो अच्छे से नहीं है अल्लाह उनको सही सलामत से रखे। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद आज फिर मैं आया हूँ दुकान फिशिंग शॉप के, इत्तेशाम खान फिशिंग शॉप के बारे में बताना है। तो मेरे पास दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे शिकारियों को डिमांड था, इत्तेशाम खान सिंह ब्लैक सिंह इत्तेशाम भाई भेजो, बहुत जाने का पसंदीदा था। मेरे पास जो वाइट सिंह था वो ख़त्म हो गया है, अब वाइट सिंह अभी तैयार होगा। आप लोग अब पसंद कर रहे थे कौन से सिंह, ये देख सकते हैं सिंह, ये काला सिंह, ये इत्तेशाम खान, ये सिंह का ही नाम है, इत्तेशाम खान सिंह है। और ये अभी कोई सा शॉप में नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ मेरे पास सिंह और कहीं किसी शॉप में अभी नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये नामे है इत्तेशाम खान सिंह, इस पर नामे लग दिया गया, इत्तेशाम खान सिंह है। मैं इसको पहला यूज़ किया हूँ, अब पहला मैं इसको चला के देखा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। देख सकते हैं सिंह, देख सकते हैं दोस्तों, मैं है देखें, देख सकते हैं ये स्प्रिंग है, देखिए ये सिंह नाचती है और मच्छी को नचाती है ये सिंह। अपन नाचने की जरूरत नहीं है, मच्छी को नचाती है सिंह, ये इत्तेशाम खान का सिंह ऐसा रहता है, देख सकते हैं, है देखिए, देख सकते हैं कैसा रहता है, देखिए कितना ताकत लगा मैं मार रहा हूँ, है देखिए मेरा कुर्सी टूट जाएगा। देखिए ऐसा हो जाता सिंह, क्या है देख सकते हैं, ऐसा सिंह होता है ये। अभी अब ये चढ़ा हो गया ना, अब क्या करना है ये करिए, देखिए देखिए हो गया सीधा। ये सिंह का खासियत वो रहता है, फिर मैं एक बार बताता हूँ दोस्तों ये सिंह का अंदर खासियत क्या है, ये चीज़ है। देखिए देखो मैं पूरा टेढ़ा कर दिया इसको, देखिए देखिए पूरा मैं टेढ़ा कर दिया इसे, ये देखिए देख सकते हैं कैसा हो गया टेढ़ा। अब इसे क्या करना है, बड़ी मच्छी लगाना, ऐसा होगा तो ऐसे ऐसा कर लेना। ये सिंह में कोई सा सिंह नहीं आ सकता, ये इत्तेशाम खान का सिंह में बराबरी कोई नहीं, कोई सिंह नहीं कर सकता है। ये सिंह बहुत दिन टिकेगा, बहुत दिन टिकेगा। इसको ये लकड़ी रहता है सागवान की, यहाँ डोरा लगा लेना, यहाँ पर सुराग गिरा है, यहाँ डोरा लगाना, ये लकड़ी सागवान की लकड़ी रहती है। ये सिंह देख सकते हैं, ये सागवान की लकड़ी रहती और यहाँ पर ये रहता लाख रहता लगा हुआ, कभी नहीं खुलेगा, बेहतरीन स्टांग से रहता है। एक तो इसके अंदर डाल के लाख किया जाता है और एक ऊपर से हम लोग यहाँ से चापते हैं यहाँ से, और देख सकते हैं ये सिंह बहुत शानदार होता है। मेरे पास पूरा मौजूद है ये सिंह, पूरा देख सकते हैं कितना सिंह है, ये एक सिंह नहीं है, दुनिया सिंह है। अगर ये मुझे पता है कि वीडियो गिरने के बाद फ़ौरन सब लोग मंगाएंगा ये फ़ौरन, तो इसलिए मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ हमारे सब्सक्राइबर साथियों से, अगर ये वीडियो आपको फ़ौरन मिला तो फ़ौरन ऑर्डर कर लीजिए। जबरदस्त रहता है सिंह, स्टांग गारंटी के साथ रहता है, ये सिंह में मेरा गारंटी होगा, अगर आपको टूट जाता है पैसा रिटर्न हो जाएगा, एक महीने का गारंटी हम देते हैं। ये सिंह पर एक महीने का गारंटी है, तोड़ दीजिए आप पैसा रिटर्न ले सकते हैं आप लोग बिंदास भरोसे के साथ। ये नहीं कि हमको यूँ करके हम तोड़ देंगे फिर इत्तेशाम खान से फिर सिंह नहीं हो, नहीं होता वो। सिंह मच्छी तोड़ना अपन नहीं, अपन आदमियों को भी तोड़े तो मोचारे तो हाथा पैरा तोड़े तो आदमियों का सिर फूटता, हाथा पैरा तोड़ता, मार भी सकते, जान मार सकते, तो अपन तोड़ने की जरूरत नहीं है। मछली तोड़ना क्यों गारंटी है, ठीक है।
ये सिंह जिस किसी को ना, और उसके बाद ये भी सिंह देखो, यही तशाम खान सिंह गिलास फेवर बनाया हूँ। ये क्या है, गिलास फेवर, सेम यही फेवर रहता है। आप ये मैं समझिएगा वो फेवर है, जैसा और एक सिंह बता रहा हूँ, देख सकते हैं, ये है गिलास फेवर। ये है क्या है, ये सिंह जो बनाया, ये सिंह है, गिलास फेवर है ये। और ये क्या है जो बनाया, उसमें वाइट में है, ये इसमें है, इसको मैं छूता भी नहीं हूँ। ये भी शीशा वाइट फेवर है, ये शीशा वाइट फेवर है, ये भी उससे रहता, देखिए देख सकते हैं, देखिए ये मुर्गा ना, ये भी जैसा पसंद वैसा ले सकते हैं, ये इधर शीशा वाइट फेवर है, देख सकते हैं। अगर वो गिलास का रहता इतना अलग से पक टूट जाता था, लेकिन कुकिंग देख सकते हैं, कहते हैं ये मुर्गा सेम यही रहता, देखिए ये सेम पूरा वही रहता, काले में लो या शीशे में लो, इसमें लो, सेम बराबर रहता, ये भी रहेगा, इत्तेशाम खान सिंह दोनों है। तो जिसलिए दोस्तों आप फटाफट जल्दी ऑर्डर कर ले सकते हैं, आप फटाफट, फिर बाद में आप लोग कहोगे इत्तेशाम खान सिंह काला सिंह दीजिए, काला सिंह दीजिए, बनने में लेट होता है दोस्तों, ये लकड़ी तैयार करने में लेट होता है, जो काम हमारा बनाने वाला मिस्त्री जो होता है हमारे नाम पर बनाने वाला है, उनको भी काम रहता है बनाने में, ये लाने में बनाने में बहुत देर होता है, ये सागवान की लकड़ी रहता है। इसलिए आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पूछ रहा था, जिस किसी को होना है फटाफट आप लोग सिंह मंगा ले सकते हैं। फिर ये डोरा है, देख सकते हैं इसके पीछे साथ रहेगा, डोरा रहेगा, डोरा मंगा ले सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास फिर उसके बाद थ्री हुक रेडी है, देख सकते हैं, ये मेरा हाथ का बने सो है, ये देख सकते, मेरे हाथ का ईगल का, मेरे हाथ का बना हुआ, जरा नजदीक बता जरा, ये मेरे हाथ का बना हुआ है, देखिए ये मेरे हाथ का बना हुआ है, और ये भी मिल जाएगा थ्री हुक का। और उसके बाद बोलते नहीं, क्या बोलते हैं, अखंड चढ़ावा बोलते हैं, क्या बोलते जी, क्या बोलते हैं, अखंड चढ़ावा बोलते हैं कि पखन चढ़ावा बोलते हैं, लोग बोलते हैं अखंड चढ़ावा से खेलो, इससे खेलो, इससे खेलो, अरे बाबा अखंड की पखन की वो सब नहीं जानते, शिकारी रहे तो दो दो गिरा से शिकार कर सकते, शिकारी अगर शिकारी है तो हम इतने दिन से हमारे जितने भी चैनल वाले हैं उसके सामने में खुद कितने, जब तक मैं ज्वाइन नहीं करता था, एक से दो ज्वाइन नहीं करता था तो मैं कतला मार ही नहीं सकता था, है ना। हम अखंड चढ़ावे कभी मैं शिकार में करते ही नहीं हूँ, कभी नहीं शिकार किया अखंड चढ़ावे पे, कभी नहीं किया हूँ। देखो मेरा वीडियो में पूरा देखो, पूरा जैन मिलेगा, मैं जैन से ही शिकार करता हूँ, और हमको जैन से ही ज्वाइन करे और तो हमको शिकार होता है, अगर अखंड चढ़ावे ऐसा रहेगा तो शिकार हमको नहीं होता है। तो चलो बहरहाल अपनी अपनी मर्जी की मर्जी है, अपने अपने पसंदीदा शिकार करने के रहता है। चलो हम तो भाई ज्वाइन करके शिकार करता हूँ, मुझे तो अपने अपने मर्जी रहता है। तो मेरे पास पूरा रेडी है, देख सकते हैं पूरा, 7 बाम का, 8 बाम का, 10 बाम का, 15 बाम का, 20 बाम का, 50 बाम का भी खेलो, मेरे पास सब रेडी है ना, जितना बाम खेल सकते हैं पूरा मेरे पास, देखो पूरा क्या है, पूरा रेडी है। इत्तेशाम खान चढ़ावे का, पूरा चढ़ावे खेलने जिसको शौक है ले सकते हैं। हम तो भाई शिकार मैं करता हूँ, जैसा हम उसको ज्वाइन कर लेता हूँ कभी भी, अगर एक बार बता रहा हूँ, अब भाई जिस जगह मैं शिकार करना चाह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात करता हूँ, मैं वो चिल्लर काम की तरह बात हम नहीं करता हूँ, फर्स्ट सामने आंखें लड़ा लड़ा के हम बात करता हूँ, जिसको पसंद आए। देखो अब कितने लोग कमेंट में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इत्तेशाम खान बड़े बड़े इत्तेशाम खान भाषण ज़्यादा देता है, अरे भाई मेरी पैदाइशी भाषण में हुई है, मेरी पैदाइशी भाषण में हुई है, और मैं इम्पोर्टेंट बात करता हूँ, वो गलत सलत बात नहीं करते, इम्पोर्टेंट बात करता हूँ। तो जितने लोग बोलते हैं कि जो है इत्तेशाम खान बड़े बड़े भाषण ज़्यादा भाषण करता, हमारी ज़िंदगी भाषण में है दोस्तों, क्या हमारी ज़िंदगी क्या है, भाषण में है। मैं ये समझाने से बहुत शिकारी की तादाद हुआ। अच्छा ये पहले बताइए, हम खुलेआम चाहे दे रहा हूँ, जब मैं 20 साल से ये इलाके के अंदर सिंगूर में था, तो एक जने भी, एक बंदा भी, एक शिकारी भी सिंगूर डैम के अंदर मरण मारने नहीं आता था। और मैं जब यूट्यूब चर्च करता था, यूट्यूब के अंदर मैं जाके देखता था, तो मैं चैलेंज दावे के साथ कह रहा हूँ कि यूट्यूब में जब देखता था मरण का शिकारी बहुत कम था, वो सब बाहर कंट्री वालों का वीडियो चैनल था जो मरण मारते थे, वो कौन सी, वो काला चित्ता वाला मरल मारता था, वो देखते थे हम लोग। अब मैं खुद कभी भी इतनी बड़ी मरल फुल मरल नहीं देखा करता था, तो मैं क्या करा, जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं किसका पहले वीडियो देखा, मरल मारने का तरकीब कुछ लोग बोला करते, मौली साहब बड़े बड़े मरल हैं लेकिन निकाल नहीं सकते थे, तो मैं क्या करता था, इत्तेशाम खान से जरा पंगा लगा दो, मरल की उतने बड़े बड़े मरल है ना, इत्तेशाम खान से मुलाकात करा दो, हम देखेंगे। तो हमने जब मरल शुरू मारना स्टार्ट करे तो अल्हम्दुलिल्लाह कलीम भाई का हम सीखे थे, किसका, कलीम भाई का, देखे काल फिशर साहब, उसको मैं सलाम करता हूँ, बहुत बंदा अच्छा है कलीम भाई, हमारे
जो अब काल फिशर साहब है, दोस्तों आप लोगों से भी अपील करता हूँ, हमारा चैनल और है हमारा दोस्त का, हमारे कलीम भाई काल फिशर का भी, उसका भी देख सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंट वीडियो होता है, जबरदस्त वीडियो होता है कलीम भाई काल फिशर साहब। और उसकी ऐसा इंसान है कोई पूरे यूट्यूबर में, कोई यूट्यूबर में इंसानियत बोले तो, अच्छा वीडियो बनाने वाला बोले तो, और अच्छी प्यार मोहब्बत, अच्छा बात करने वाला, अच्छा नॉलेज करने वाला बोले तो कलीम भाई काल फिशर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंसान है, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे और उसकी उम्र में हयात भी दे और अच्छी उनकी चैनल को भी कामयाबी दे। तो दोस्तों चलो, तो सिंगूर में कोई शिकार नहीं करता था, जब मैं शिकार शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरल का तादाद बढ़ गई, मरल का शिकारी करने वालों की तादाद बढ़ गई, वो अब नाम ले या न ले हमारे क्या है, सीख तो लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग मरल पकड़ने की तरकीब सिखा दिया, कैसा मेंढुक फेंकना है, कैसा मेंढुक लगाना है, रील कैसा फेंकना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो नाम नहीं ले रहा लेकिन ऊपर वाला तो जान रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अच्छी बात बोलता हूँ तो उसको कड़वी दिखती है, उनको पसंद नहीं आता है ना। कोई अगर कोई अच्छी तरक्की कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो हमारा भाइयों में क्या होता है, सबसे पहला हमारे भाइयों की बात कर रहा हूँ, दूसरे हम गैर कौम की बात नहीं कर रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं कि वो गैर कौम है, गैर कौम क्या है भाई, हम लोग खुद कौम में से हो गए हैं, हम लोग कौन बड़े दूध से धोए वाला इंसान है, हम भी बस गुनाहगार हैं, हम भी कौन सी गुनाह कमाए, अल्लाह उनको भी सजा देता है ना, हम भी गुनाहगार हैं, ये नहीं। तो आजकल हम कौन से धोए से, हम गैर कौम को क्या बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद गलत हैं। हम लोग एक भाई जो कोई मुस्लिम भाई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फेमस होने की कोशिश करता है, मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कुछ भी करता है, तो हमारा भाई लोग खुद उसके पीछे पड़ कर उनको रचाता है। तो दोस्तों हम आज बताना चाहता हूँ, लंबी वीडियो हो रहा है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो गया भी तो खुश हूँ, नहीं भी वीडियो गया तो हम खुश हैं। हम कभी भी अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ, मैं कभी भी मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, न सारी दुनिया की कोई ताकत पर भरोसा रखता हूँ, न कुछ भरोसा नहीं रखता हूँ, बस मैं कभी भी जिंदगी गुजारता हूँ, मैं बस ऊपर वाले के नाम से गुजारता हूँ, मैं ऊपर वाले के सहारे से जीता हूँ, ऊपर वाले के नाम से ही जिंदगी चलता, मैं किसी पर दोस्तों पर मैं इसके ऊपर ऊपर हम जीते नहीं हूँ, बस मैं अपना खुद मेहनत करता हूँ, मैं अपना खुद जीता हूँ, बस अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ जो जो हादसा हुआ है वो मैं जानता हूँ, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर बना हूँ वो मैं जानता हूँ, वो आप नहीं जानते, हमारा जानता हूँ, जितना तकलीफ से मैं यूट्यूबर यहाँ तक बना हूँ, यहाँ तक जो मेरा कारोबार हुआ है, यहाँ तक मेरा दुकान हुआ है, मेरा ये सारे चीज़ हुआ है, वो मैं जानता हूँ कितनी तकलीफ से यहाँ तक आया हूँ, यूट्यूबर इतना बड़ा बना हूँ, मैं तकलीफ से गुजरता हूँ, मेरी तकलीफ जो समझने वाला समझ सकता है, जो हमारा दोस्त लोग होगा वो समझ रहा होगा, मेरे साथ इतना अपना जुल्म मेरे साथ हुआ है वो मैं जानता हूँ, कितने लोग मेरे का तकलीफ ऐसा साजिश रचाया गया, झूठ मूठ का साजिश रचाया गया, कौन यूट्यूबर लोग, ये दशाम खान आगे बढ़ रहा है, यूट्यूबर लोग बोले ये दशाम खान फेमस हो रहा है, ये दशाम खान बड़े बड़े मच्छी मार के बहुत उसका नाम चर्चा हिंदुस्तान पर दुनिया में, ये दशाम खान, ये दशाम खान, ये दशाम खान नाम हो रहा है, दूसरे यूट्यूबर को क्या होता था, जलन पैदा होता था। दोस्तों जलने की जरूरत नहीं है, रिस्क के और रोजी और अपना सब चीज लिखने वाला ऊपर वाला है, आप लिखने वाले या हम लिखने वाले या दुनिया की कोई ताकत रोकने वाला नहीं है, ऊपर वाला बैठा है, आप जैसा करोगे ऐसा भरोगे, आप ये सारी चीज जो बनता है फेमस होता है तो क्या चीज बनता है मालूम ना, इज्जत से बनता है, इज्जत अपना बनाना पड़ता, अपना वैल्यू बनाना पड़ता, अपना नाम अच्छा कमाना पड़ता, हम किसी को बारे में गलत सलत बोलेंगे तो अल्लाह ताला खुद अपने गिरा देता, अल्लाह ताला अपने खुद गिरा देता। तो दोस्तों अपना वैल्यू बनाओ, अपना इज्जत बनाओ, आगे जाना है तो अपना इज्जत आबरू का बरकरार रखो तो अल्लाह आपको कामयाब करेगा। आप अब दूसरों के लिए सोचोगे अल्लाह आपके लिए सोचेगा, तुम दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो अल्लाह खुद तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा। दोस्तों कभी भी याद रखो, हम ये चीज़ किसके लिए बताऊँ, हम यूट्यूबर भाइयों के लिए बता रहा हूँ, किसी के लिए कभी गलत नहीं सोचना, गलत सोचोगे तो गलत में जाओगे, भला करोगे भलाइए मिलेगा, बुरा करोगे बुराइए मिलेगा, उसका सिला है। तो चलो हम जानते हैं मेरे साथ कितने कितने किसके लिए, सिर्फ इस पार्ट के खातिर हमारे को बहुत बड़ा, पहले क्या करते कितने लोगों को ला कर मैं सिंगूर में फिशिंग करने लगाता था, अब नहीं लगाता हूँ, क्यों, जिसको ला के हम शिकार करने लगाते तो वही लोग मेरे ऊपर साजिश रचाया गया, ये है दशाम खान जो है ऐसा करता है ऐसा करता, मैं क्यों बताऊँ दूसरे ऊपर भाई, नहीं बताएंगे ना मेरा नाम खराब होगा, खुब चुक अपना समझ में आया, जाना वीडियो बनाना आना बनाना, उसको पसंद है देखने दो, नहीं पसंद आए तो नहीं देखने दो, हम अपने उससे क्या है, बस रिस्क के रोजी तो अल्लाह का में है। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी ये कर दिया, अब समझ सकते इस चीज़ों पर बस। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे पास सब पम्प मिलेगा, 6 से 7, 6, 5, 8,
जितना बम है उतना ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, है ना। और अब दूसरी बात बता रहा हूँ, और एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, कि आजकल क्या है, जो ज़ईफ़ लोग, जो हट्टा कट्टा जवान है, दो पीस का राड हम लोग यूज़ कर लेते हैं, है ना, दो पीस का राड हम यूज़ कर लेते हैं, ये हम बताना मेरा काम है, है ना। तो अब ज़ईफ़ लोग है, अब कोई नौकरी वाला है, कोई जॉब वाला है, कोई अगर घर से अगर कोई फिशिंग सब मैं जानता हूँ, मैं क्या है, मैं जानता हूँ कि मछली अगर पकड़ने जाता है तो बहुत बड़ी नफरत होता है घरों के अंदर, किसी घर के अंदर बेटी है या बीवी बच्चे है या अपना खानदान परिवार वाला है, जैसा मैं यहाँ पुलकल में हूँ, मैं इस जगह हूँ, मैं मछली अगर पकड़ने जाता हूँ, बगल वाले क्या बोलता है, अच्छा अरे भाई मौली साहब वो क्या पीछे पड़ी रे भाई, वही मछियाँ चापला क्या दीवाना हो गया इनो जी, और आता बोल लेते बैठता, क्या बोल लेते बैठता, क्या इनको क्या पिच्ची पड़ी रे बाबा, वही चापला मच्छियाँ, इसको कुछ काम धंधा नहीं क्या, क्यों, जैसा के राड नजर आता है, हाथों में राड नजर आता है ना, तो कोई देखता तो बोलता है उसको दिल में, तो नहीं आने के लिए हम जो है, अब घर में भी कोई भी गए, घर के अंदर हमारे जैसा घर वाले होते हैं या कोई भी होते हैं तो कहता है कहाँ जा रहे जी, क्या जी काम को नहीं जाता है, वो कहाँ जा रहे जी, नहीं कहीं को नहीं जा रहा, माँ बोलते नहीं बोलते, घर में लेडीज बोलते ना, कहाँ जा रहे जी है, काम पे जाना है, क्या बोलते हैं नहीं नहीं मैं काम पे जा रहा हूँ, जाता हूँ ना मैं अच्छा पकड़ने, एक बहाना से झूठ बोल के कैसे भी करके, बड़ी राहत रहा तो दिख लेता, छोटी राहत रहा तो नहीं दिखता, है ना, तो गालियाँ देते घरों के अंदर, कोई भी हमको नहीं देता होगा, आपको नहीं देता, किसी और को भी देता होगा, ऐसा मेरे पास बहुत सारी बातें आया है, मुझे खुद बोला है, इसी हम बता रहे हैं, तो नहीं दिखे सरकार के लिए, नौकरी जॉब करने वालों के लिए ऐसा राडा आया है, देख सकते ये राड, ऐसा राड यूज़ करना, फोल्डिंग का, दो फोल्डिंग वाले तो ऐसा देख सकते हैं, ऐसा राड नहीं कोई देखने के लिए, ऐसा राड यूज़ करना, या ऐसा खोल लेना, देख सकते हैं, ऐसा राड यूज़ करना, देख सकते हैं, ऐसा फोल्डिंग राड बोलते हैं, ऐसा, इससे क्या है, बेहतरीन 10 से 12 किलो मछली निकाल सकते हैं, मैं मारा हूँ, तो बता दो, जो शिकारी है, जिसको गोलियां चलाने आता है उन्होंने चलाएगा ना, जिसको गोलियां चलाने आओगे तो यूँ देखेगा उन्होंने, किधर से चलाऊँ मैं, किधर चलाऊँ, अब बैग जिसको चलाने आएगा तो ही वो बैग चलाएगा ना, अब बैग चलाने आते ही नहीं है, अब कौन सा स्टार्ट करूँ, कौन सा क्लच किधर करूँ, कौन सा ब्रेक है नहीं मालूम, तो कैसे वो कैसे चलाओगे, तो चलाने आना चाहिए, 10 से 12 किलो मछली लगे तो अपने अंदर निकालने की हस्ती रखना है, कैसे निकालना है, थका के निकालना है, ज़्यादा लूज नहीं होने देना है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ होता है, सब कुछ पर है, खाना भी हम खाएंगे उसका हिसाब है, पेट के अंदर कितना खाना खाना है, कौन से हिसाब से खाना है, ज़्यादा खाओगे तो पेट तो खराब होगा, पखाना तो लगभग करेगा ना, है ना, पखाना तो लगभग करेगा, ज़्यादा दवा खाओगे तो हर कुछ हिसाब से होता है दोस्तों, तो राड भी हिसाब से चलाना होता है, अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती उसको लचाओगे तो टूटेगा ही, चाहे 50,000 का भी राड हो, जैसा चलाओगे वो टूटना ही टूटना है, तो हिसाब से रहता है, हर कुछ पर हिसाब से चलाना है ना, तो ये हो गया, तो ऐसा राडा आप लोग दोस्तों जो भी नहीं मालूम है सरका, नहीं देखे सरका, ऐसा राड यूज़ करो, मेरे पास एक से एक वैरायटी राड है, देखो ऐसी सब राड है, ऐसा छोटा है, कितना छोटा है, 7 फीट है, 6 फीट है, सस्ते रहता है ये सब राड, है ना, झींगा पकड़ना है, बम पकड़ना है, पठान मारना है, ये सब राड यूज़ करो, देखो कितना शानदार राड है, कितनी शानदार राड है, ऐसा इसका फोल्डिंग राड है, निकालिए जैसा देखिए, देख सकते हैं कितनी शानदार राड है, देखिए है देख पूरा आता है, ये कितना अच्छा राड है, देखिए ये सब, तो ऐसा राडा क्या है, यूज करे तो कोई नहीं देखता, नजर नहीं लगता, कहाँ जाए ऐसा सब राडे नहीं देखता, बड़े राडे तो कहाँ जा रहे जी, मच्छा पकड़े कोई बोला रास्ता तो पहले गुस्सा आया था, है ना, तो इसमें बहुत वैरायटी भी है मेरे पास, मामूली सब राड भी पहले तो सस्ते भी राडा है और महंगे भी राडा है मेरे पास, देख सकते हैं ये भी राडा है, ये 12 फीट का है, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये 12 फीट का है, देखो ये 12 फीट का भी है और 10 फीट का भी है, देखो मजबूत रहता है सब राड, बेहतरीन रहता है, देख सकते हैं, इस पर खोल के बता रहा हूँ, देख सकते हैं बहुत मजबूत रहता है ये, बहुत मजबूत रहता है ये सब राड, तो हम पहले बताया हूँ कि यूज़ करने के ऊपर रहता है, हमको कैसा मच्छी मारना है, कैसे मच्छी निकालना है, आराम से निकालिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, अब कोई यूट्यूबर को क्या कहता है जल्दी मच्छी मारते, दवा खड़ मच्छी करते हैं तब खींच लेते हैं, ऐसा भूल से नहीं करना, वो क्या है ओनली वीडियो के खातिर ऐसा होता है, ऐसा भी मत करना, ठीक है, क्या अब वो सिंह भी रहती है, जिस किसी को होना है एहतेशाम खान फिशिंग तगली शॉप, फ़ोन से कॉन्टेक्ट करें और मंगा ले सकते हैं ऑल इंडिया कुरियर, तो दोस्तों आप लोगों को ये सामान होना है तो फटाफट मंगाइए, ये सिंह
ये सीन है और मेरे पास बहुत सारे सामान है। आप लोग अभी कटलॉग नहीं बनाया हूँ, इंशाल्लाह कटलॉग बनाने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा भी फ़ोन मैं कटलॉग बनाने के वास्ते ला लिया हूँ, देख सकते हैं। लेकिन अभी यूट्यूब में मैं भी सीख के मैं करना चाह रहा हूँ। किसी को बोलो तो कटलॉग बनाओ, बोले कोई बनाने के रेडी तो नहीं है, लेकिन फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, कटलॉग बनाऊँगा इंशाल्लाह। 2-3 दिन के अंदर कटलॉग आ जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश करके बना दूंगा। तो सबका भी सामान का मेरे पास सामान वैरायटी रहता है दोस्तों, और सस्ते का सस्ता भी रहता है, अच्छा से अच्छा सामान रहता है। जिस किसी को होना है तो फौरन कॉन्टेक्ट करें, ये सिंह बिक जाएगा जल्दी। जिस किसी को आप सिंह मंगा ले सकते हैं, और ये फोल्डिंग रॉड है 10 फीट 12 फीट 8 फीट 9 फीट, जिस किसी को होना है फौरन कॉन्टेक्ट करें। फ्री हुक, गुच्छा हुक, जितने भी सारे चीज़ कॉन्टेक्ट करें फटाफट, ये तो बिक जाएगा फटाफट, कॉन्टेक्ट करके मंगा ले सकते हैं। नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और हमारे इसमें भी नंबर है, जिसमें वीडियो में नंबर है, उससे कनेक्ट कर मंगा ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना। जो हमारे चैनल पर कोई नया कुछ देख रहे हैं तो जरा सा सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, ठीक है।